माननीय प्रहलाद पटेल जी, मेरे सहयोगी नड्डा जी, किरण माहेश्वरी जी, रानी त्रिवेदी जी, वाणी त्रिवेदी जी, मुरलीधर राव जी, महेंद्र पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेकर आप सबकी अच्छी व्यवस्था की है, ऐसे हमारे दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे कामगार महासंघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, राज्य के पदाधिकारीगण और उपस्थित कामगार साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं भारतीय जनता मजदूर महासंघ ने 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों को यहाँ इकट्ठा करके ये जो भव्य प्रदर्शन किया है, मैं इसलिए प्रहलाद पटेल जी का, उनके सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, राज्य और जिले के पदाधिकारियों का और तमाम मजदूर भाई बहन और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण करके इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र रहे और उन्होंने हमको जो विचार दिया है वो विचार हमारे राजनीतिक जीवन की हमारी विचारधारा है। डॉक्टर जोशी जी ने उनके विचारों के बारे में, उसकी भावार्थ के बारे में आपसे चर्चा की है। मैं विद्यार्थी था तब से पंडित जी के विचारों से प्रभावित हुआ। पंडित जी ने अपने अंत्योदय के विचार में कहा है कि हमारा इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर जिनके कपड़े नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम हमारा भगवान माने और हम निरंतर उसकी सेवा करते रहे और जिस दिन उन तमाम दरिद्र नारायण को रहने के लिए मकान मिलेगा, खाने के लिए रोटी मिलेगी, पीने के लिए पानी मिलेगा और शरीर पर कपड़ा मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे और उस दिन तक हम काम करते रहेंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इसलिए काम नहीं कर रही है कि कोई नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री आज जो बने हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जो मुख्यमंत्री बने हैं वो एक्स मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो एमपी बने वो एक्स एमपी बन जाएंगे, जो एमएलए है वो एक्स एमएलए बन जाएंगे, पर दीनदयाल जी के विचारों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समर्पित करके गरीबों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करने वाला निष्प्रभ और निस्वार्थी कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं हो सकता। हमारा मकसद है कि हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। 1947 में कांग्रेस का शासन आया, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान गांवों में बस रहा है, उस गांवों के लिए, गांवों की कल्याण की अनेक योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, सभी गांधियों ने देश के सामने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई। हमारे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम 100 दिनों में महंगाई कम करेंगे और गरीबों को खुशहाली प्राप्त करके देंगे। गरीबी हटाओ का नारा इस देश में बार बार दोहराया गया और हमारे देश की गरीब जनता ने लगातार गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस का साथ दिया।
कांग्रेस पार्टी ने नारा लगाया था कि सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, गरीबों के घरों में सोनिया जी नई रोशनी लाएगी। ये सपना कांग्रेस ने देश के गरीबों के सामने खड़ा किया, पर परिणाम क्या निकला? नई रोशनी तो आई नहीं, जो थी वो भी चली गई और अंधेरा छा गया। बहनों और भाइयों, इस 65 साल के इतिहास में 57 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और आज हमारी कांग्रेस पार्टी की, सोनिया जी की और मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है कि शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में जो हमारे गरीब लोग रह रहे हैं, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जिनकी आबादी 42 करोड़ से, हमारी कांग्रेस की सरकार कहती है कि जिनका प्रतिदिन इनकम 32 रुपए से ज्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन है, वो सब धनवान है। ये व्याख्या यूपीए की और कांग्रेस की सरकार करती है। हमारे गांवों में जो गरीब लोग का प्रतिदिन उत्पन्न इनकम 27 रुपए से ज्यादा है, 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। मैं आदरणीय सोनिया जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमें मार्गदर्शन करिए कि 28 रुपए प्रतिदिन में गांवों में और 33 रुपए प्रतिदिन शहरों में हम धनवान करके कैसे जी सकते हैं। मानवर महोदय, हमारा मार्गदर्शन करिए, जीने का हमको मार्ग बताइए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, 12-12 घंटे बिजली गायब है, हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार भूखे मर रहे हैं और देश तरक्की और विकास की ओर जा रहा है। कौन सा विकास कांग्रेस पार्टी करना चाहती, ये देश को, गरीबों को बताएं। बहनों और भाइयों, मैं किसानों में काम करता हूं, मुझे आपको कहते हुए इस बात की शर्म होती है कि मैं जिस क्षेत्र के, महाराष्ट्र के विदर्भ से आया हूं, वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। बहनों और भाइयों, आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। आप अटल जी के, डॉक्टर जोशी जी के सरकार को, एनडीए की सरकार को याद करिए, गेहूं की कीमत कितनी थी, चावल की कीमत कितनी थी, शक्कर की कीमत कितनी थी, गैस की कीमत कितनी थी, पेट्रोल और डीजल की कीमत कितनी थी, जरा याद करिए। गरीबों के कल्याण के लिए हमने यूपीए को चुन के दिया, गरीबों को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, पूरे गरीबों को खाई में ढकेल दिया और गरीबों को बर्बाद करने का पाप अगर इस देश के इतिहास में किसने किया तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप जाग जाइए, कांग्रेस पार्टी इस देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों की, इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की गरीबी दूर नहीं कर सकती। भारत देश धनवान है पर जनता गरीब है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। देश धनवान है पर जनता गरीब है, इसका कारण क्या है? मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस सच को समझिए कि हम धनवान होने के बाद गरीब इसलिए है कि गलत आर्थिक नीतियां, भ्रष्ट प्रशासन, विजनलेस लीडरशिप, निर्णय करने की क्षमता नहीं, और सरकार ऐसी बनी है कि जिसको देश के साथ, गरीब के साथ और समाज के साथ कोई कटिबद्धता नहीं, ऐसी बोगस सरकार आज दिल्ली में बैठी है और इसलिए गरीब बर्बाद हो रहे हैं। हम देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम राजनीति इसलिए करना चाहते हैं कि केवल सत्ता की राजनीति नहीं करना चाहते, हम सत्ता की राजनीति न करते हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की राजनीति करना चाहते हैं। हम एक
इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस, आर्थिक सुशासन और विकास के द्वारा इस देश के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, इस देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं और असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ श्रमिकों को रोटी, कपड़ा और मकान देकर उनके जीवन को सुसह्य बनाना चाहते हैं। यही हमारा विचार है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा सपना है और यही कार्य पूरा करने के लिए हम आपके लिए काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। कोई टिकट फिकट मांगने के लिए हम पार्टी में नहीं आए। मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की अर्जी किसी के पास करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा या सांसद कौन होगा। सवाल यह है कि देश का गरीब बचेगा या मरेगा। ये सबके सामने देश से सबसे बड़ा सवाल है। हम कोई सरकार गिराना नहीं चाहते। ये यूपीए का प्रॉब्लम है, इनका प्रश्न कि कौन सा मित्र इनके साथ है और कौन सा विरोध में है। कुछ तो मित्र ऐसे हैं कि जो दिल्ली में एक भूमिका लेते हैं और लखनऊ में दूसरी भूमिका लेते हैं। दिल्ली में आकर सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं और फिर दिल्ली में आकर सरकार को बचाने का काम करते हैं। लखनऊ में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ऐसी भी नीतियों वाली पार्टियां दलितों को और गरीबों के विकास की बात करने वाली इस देश में उनकी कमी नहीं है। हिंदी में एक गाना था और बहुत अच्छा गाना है, लता मंगेशकर ने गाया था, वो देखकर मुझे याद आता है। जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मैं उनमें जाना नहीं चाहता। जिसको जिसको समर्थन करना है करे, विरोध करना है करे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम यूपीए सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहते सोनिया जी से और मनमोहन सिंह जी से कि हमारे देश के गरीबों के कल्याण की योजनाएं कैसे चलेगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे होगा, ये हमको बताइए, इसके लिए हमको जवाब दीजिए। यही एक ही हमारा सवाल उनके सामने है। बहनों और भाइयों, हमारी राज्य सरकारें गरीबों के हितों में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, हम काम कर रहे हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का, जो हमारे श्रम मंत्री थे अटल जी के सरकार में, और वाजपेयी जी के कैबिनेट मीटिंग में जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी 25 दिसंबर 2003 को, अटल जी के जन्मदिन के ऊपर योजना का शुभारंभ किया गया था और जिसमें अटल जी ने कहा था कि असंगठित क्षेत्र के ये पूरे कामगारों को, श्रमिकों को हम सामाजिक सुरक्षा कार्ड का वितरण करेंगे, शुरू किया। और 60 वर्ष के आयु के बाद जो साइकिल रिक्शा चलाता है, जो बर्तन मांजने का काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए पत्थर उठाकर, सीमेंट उठाकर, गोदिया उठाकर, गोरे उठाने का काम करते हैं, जो फुटपाथ पर सब्जी, हॉकर्स में हाथ ठेला चलाकर मजदूरी करते हैं, उन सब गरीबों को वो 500 रुपए प्रति माह पेंशन की शुरुआत करेंगे। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने निर्णय किया था, इस सरकार ने नहीं किया। पर आप चिंता मत करिए, एनडीए का शासन आएगा, भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल के बाद में 1000 रुपए पेंशन देने का काम हम करेंगे। केवल पेंशन नहीं देंगे तो बीपीएल कार्ड देकर, आप सस्ते में आपको गेहूं और चावल देकर, आप किसी गरीब मजदूर को हम भूखा नहीं मरने देंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, डॉक्टर जोशी जी मंत्री थे, आज क्या मुझे बताइए, आईएएस ऑफिसर का लड़का आईएएस ऑफिसर बन रहा है, नेताओं के लड़के नेता बन रहे हैं,
इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन रहा है, टीचर का लड़का टीचर बन रहा है, प्रोफेसर का लड़का प्रोफेसर बन रहा है, तो क्या साइकिल रिक्शा चलाने वाले का लड़का क्या साइकिल रिक्शा चलाए? क्या मजदूरों में बोरे उठाने वाला जो मजदूर है उसका लड़का बोरे उठाने का काम करे? ये नहीं होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार हमारा मिशन है। हमारे श्रमिकों के बेटे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, उनको भी पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तांत्रिक और व्यवसाय विमुख शिक्षण मिलेगा, पॉलिटेक्निक आईटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा मिलेगी और वो अपने जीवन में खड़े होंगे। इसके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। बहनों और भाइयों, आज शिक्षा जो है वो कौशलों के आधार पर होनी चाहिए। बड़े बड़े होटल में रेस्टोरेंट में जो हमारे लोग जो वहाँ आप क्या कहते हैं उसको कुक नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं खानसामा रसोईया, तीन तीन लाख रुपए चार चार लाख रुपए महीना मिलता है तनख्वाह रोटी बनाने वालों को और सब्जी बनाने वालों को। अगर हम सही प्रशिक्षित करेंगे तो मैं जब फॉरेन में जाता हूँ तो अनेक देशों में कनाडा में हर होटल में मुझे उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश के पंजाब के अनेक नौजवान डॉलर में 50-50 हज़ार रुपए डॉलर महीने की कमाई करते हैं, उनको रोजगार मिला है जो अनेक मजदूरों के लड़के हैं। कौशलों के आधार पर शिक्षा ट्रेनिंग देना उसके लिए आवश्यक है। मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान ये बुनियादी सवाल है। 65 साल कांग्रेस ने गरीबों के साथ बेईमानी की, विश्वासघात किया, गरीबी हटाओ की बात की, पर गरीबों को बर्बाद करने का काम इस देश में किसने किया है? तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, ये लुटेरों की पार्टी है, ये अखिल भारतीय चोरों की कांग्रेस बनी है। ये कांग्रेस गरीबों का कल्याण कभी नहीं कर सकती। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं है, ये ऑल इंडिया कोल कांग्रेस कमेटी बनी हुई है। ये कोयले में जिन्होंने अपना मुंह काला किया वो क्या गरीबों का कल्याण कर सकेंगे? 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का चूना देश को लगाया गया। ये डॉक्टर जोशी जी नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे संविधान में हमारे सीए जी ने रिपोर्ट में लिखा है। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम में ये विजेंद्र जी बैठे, इन्होंने न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो अपने बाप का माल है, जितना देश को लूटना है उतना लूटो, 76,000 करोड़ का घोटाला किया। अब कोयले में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये तीनों आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाए। सोनिया जी आप कह रही है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, तो क्या ये घोटाला के प्रेरणा स्त्रोत्र हम हैं? क्या ये लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम हमारे इशारे पर हुआ है? ये आपके सीए जी ने रिपोर्ट दिया या क्या डॉक्टर जोशी जी के कहने पर दिया है? 4,38,000 करोड़ के घोटाले उजागर किए सीए जी ने। मेरे को चिंता है कि यही पैसा अगर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए खर्चा होता तो 10 करोड़ कामगारों के लिए मकान बनते, 50 करोड़ कामगारों को फ्री ऑफ चार्ज स्वास्थ्य की सेवाएं मिलती है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। यही अगर पैसा गांव के गरीबों के लिए किसानों के लिए खर्चा होता तो 6.5 लाख गांव में मजबूत रास्ते बनते, 24 घंटे बिजली बनती, हजारों उद्योग खड़े होते और करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलता और दुनिया में हिंदुस्तान पहले नंबर पर पहुंचता, ये ताकत हम में है। पर तुमने खा खा के पूरा डब्बा बना दिया और अब हमको कह रहे हैं कि भाजपा वाले विरोध करते हैं। हमने क्या विरोध किया? 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में काला धन रखा है। रामदेव जी ने इसी रामलीला मैदान पर यह मांग की कि काला धन वापस लाओ,
क्या ये गुनाह है कि इस देश में काला धन वापस लाकर मेरे सामने बैठे हुए करोड़ों कामगारों के कल्याण के लिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, उनके लिए अच्छे उद्योग के साथ रोजगार देने के लिए अगर खर्चा होता है तो देश का विकास होगा, गरीबों का कल्याण होगा, राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा। ये अडवाणी जी ने बात कही, रामदेव जी ने कही, तो ये कांग्रेस वालों ने क्या किया? रात को 11 बजे इसी रामलीला मैदान पर पुलिस को घुसाकर सोए हुए गरीब लोगों पर, निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई, अश्रु गैस छोड़ा और उनको बुरी तरह से उनकी पिटाई की। उनका गुनाह इतना ही था कि वो ये कह रहे थे कि काला धन देश में वापस लाओ और गरीबों के कल्याण के लिए खर्चा करो। ये कौन सा शासन है? बहनों और भाइयों, देश लूटा जा रहा है, पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि आज तक मुझे हिंदुस्तान का कोई पत्रकार यह सवाल नहीं पूछ सकता कि जिस बात का मैंने ऐलान किया वो मैंने पूरी नहीं किया, ऐसा मेरा रिकॉर्ड नहीं है। मैं जो कहता हूं वह करके दिखा सकता हूं, इस बात का मेरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, यहां बैठे हुए सभी नेताओं के सहयोग से मैं आपको वचन देता हूं कि एनडीए का शासन आएगा, हम पेंशन भी देंगे, स्वास्थ्य इंश्योरेंस की योजना भी शुरू करेंगे और इतना ही नहीं तो 5 लाख रुपए से कम रकम का जो घर कामगार बनाएगा उसके लिए 0% इंटरेस्ट से हम आपको लोन उपलब्ध कराकर आपका घर बनाकर देंगे। ये भी वचन मैं देता हूं। दीनदयाल जी ने हमको राजनीति में प्रेरणा दी है, वो टाटा बिरला और अंबानी जी के कल्याण के लिए कार्य करने की नहीं दी है। जो शोषित पीड़ित दरिद्री नारायण है, जो गरीब है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसका कल्याण करने के लिए हमको विचार की प्रेरणा दी है। वही हमारा मकसद है, वही हमारा मिशन है। हम देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं, देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलत प्रचार किया जाता है। हमारे लाल बावटे वालों को लगता है कि ये जो श्रमिक है ये उनकी मोनोपल्ली है। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता हूं कि जो 1.5 लाख मजदूरों के ट्रेड यूनियन का मैं अध्यक्ष हूं। 1.5 लाख ये बैठे हमारे वहां के लोग ट्रेड यूनियन के लीडर, जिनका मैं 6-6 हजार लोग काम करते हैं, वहां का मैं अध्यक्ष हूं। और मैं एक बात ये भी समझता हूं कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, सत्य और अहिंसा पर हमारा विश्वास है, हम कोई आतंकवाद का, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते, हम सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, पर उसके साथ साथ अगर हमसे टेढ़ी चाल से कोई आता है तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। हम शांति प्रिय, इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। और इसलिए आज देश में जो कुछ हो रहा है, देश को कांग्रेस ने बर्बाद किया है, गरीबों के पेट पर लात मारी है। ये वॉलमार्ट आ रहा है जिसका वर्णन अभी डॉक्टर जोशी जी ने किया कि 80,000 आइटम जो है वॉलमार्ट में से 70,000 चाइना से आए हैं। तो फुटपाथ पर जो पानीपुरी बेचेगा वो कौन खाएगा? उधर तो वॉलमार्ट में पानीपुरी मिलेगी, मिठाई वॉलमार्ट में मिलेगी, कपड़े वॉलमार्ट में मिलेंगे, सब्जी वॉलमार्ट में मिलेगी, मटन सब, कोई हॉकर्स फॉकर्स को कोई काम नहीं रहेगा, तो गरीबों का जीवन कैसे होगा? सोनिया जी, इंदिरा जी के गरीबी हटाओ का यही फॉर्मूला है क्या? राजीव गांधी जी ने गरीबी हटाओ का फॉर्मूला यही दिया है क्या कि गरीबी नहीं हट सकती तो गरीबों को पूरा समाप्त कर दो, उखाड़ कर फेंक दो और उनको पूरा सत्यानाश कर दो, यानी गरीबी जिंदे ही नहीं रहेंगे तो गरीबी हट जाएगी? यह कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला है क्या? आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये गलत प्रचार किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, उच्च जातियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सद्भाव, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर की राजनीति नहीं करना चाहती है।
सबको समान मौका मिलेगा, विकास का अवसर होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय होगा, विषमता को समाप्त कर देंगे और सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। यही दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार हमारा प्रेरणा है। राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है, सुशासन और विकास ये हमारा मिशन है और दीनदयाल जी का अंत्योदय का विचार सामाजिक आर्थिक चिंतन ये हमारा मिशन है, हमारा उद्दिष्ट है। हम उसी के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर है तो गरीबों की पार्टी है, गांव गरीब मजदूर किसान की पार्टी है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, हॉकर्स करके फुटपाथ पर सब्जी कपड़े बेचने वाले और होटल में बर्तन मांजने वाले उन गरीब कामगारों की भारतीय जनता पार्टी है। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार के लिए योगदान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराइए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण हो जाएगा, ये वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं। गांव गरीब मजदूर किसान के हितों में उनका कल्याण करने का मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिलेगी, यही विश्वास आप सबको मैं देना चाहता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, प्रहलाद जी ने बहुत मेहनत की। अभी तो मैंने जब इस कार्य की शुरुआत की तो ये हमारे लिए नया क्षेत्र है, फिर भी प्रहलाद जी ने अनेक राज्यों में प्रवास करके, उनके पदाधिकारियों ने प्रवास करके बहुत संगठन को मजबूत बनाया। आज के तो ये तो अभी ऐसा है कि ये तो छोटी सी फिल्म है, अभी तो सही फिल्म शुरू होना बाकी है। ये ट्रेलर है, आज का ट्रेलर है प्रहलाद जी, ये पूरी फिल्म नहीं है। ये 1 लाख मैंने गलती से बताया था, मेरे मुंह से तो 10 लाख निकलना चाहिए था। जैसे हनुमान को उसकी ताकत का पता नहीं है, वैसे आपको और आपके सभी सहयोगियों को आपकी ताकत का पता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको विश्वास देना चाहता हूं कि पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़ी है, देश के असंगठित क्षेत्र के इन पूरे कामगारों को संगठित करके, उनको रोटी कपड़ा मकान देकर इन गरीबों के कल्याण की राजनीति करने के लिए आप भारतीय जनता मजदूर महासंघ को मजबूत बनाइए, आगे जाइए, यही आपसे आह्वान करता हूं। और फिर से एक बार नारा दोहरा कर अपना भाषण समाप्त करूंगा, भारत माता की जय। जरा जोर से बोलो, हम कामगार है, संघर्ष करने वाले, आवाज जोर से हाथ ऊपर करके करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक नारा देता हूं, वो लेकर यहां से जाइए, तक बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तक बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तक बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और गरीबों का राज लाने के लिए अटल जी ने जैसा कहा है, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, भाजपा और एनडीए का शासन आएगा, गांव गरीब मजदूर कल्याण का होगा, कल्याण होगा और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जीवन में एक नई दिवाली आएगी, यही विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।